गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों केम छो। आज आप शुरुआत करीशू व्याकरण थी। व्याकरण में पहलो टॉपिक है सर्वनाम। जे नाम है एनी जगह आप जे शब्द उपयोग करिए एने कही है सर्वनाम। जेम के सर्वनाम एटले जे सर्वनाम एटले के नाम नी जगह वपरातो शब्द एने कहीशू सर्वनाम। धारो के अहिया देखाय छे झाड़, अहिया एक झाड़ छे, तो झाड़ ए नाम छे, ए नाम थयु। हवे एना विषे ज मारे फरीथी कई कहेवु छे के ते घटादार छे, तो फरीथी मैं नहीं कीधु झाड़ घटादार छे नथी, आपणे ए ज नाम विषे चर्चा फरीथी कई एनु विश्लेषण करिए, तो आपणे सर्वनामनो उपयोग करिए। जेम के मैं कीधु आ झाड़ छे ते घटादार छे, तो ते जे शब्द वापर्यो ए छे सर्वनाम। तो नाम नी जग्याए आपणे जे शब्द नो उपयोग करीए छे तेने कहीए सर्वनाम। आ झाड़ छे, झाड़ घटादार छे, पण हुं कहूं आ झाड़ छे ते घटादार छे, तो ते जे शब्द छे ए सर्वनाम। हेवी रीते हुं, तमे, अमे बधा आज छे ए सर्वनामना उदाहरण। अहीं बोर्ड पर लखेलू छे नामनी जगह वपराता शब्द ने सर्वनाम कहेवाय छे। नामनी जगह एटले अहीं एक उदाहरण जोईए। मानवी फरवा जाय छे, मानवी छोकरीनुं नाम छे। हवे लख्युं मानवी फरवा जाय छे, तेणीए नवा कपड़ा पहेर्या छे। तेणीए, हवे आ अहीं कोनो कोणी वात चाली रही छे? आज विद्यार्थीनी, मानवीनी। तो मानवी न लगता आपणे लख्युं छे तेणीए। तेणीए एटले आ थयुं सर्वनाम। आपणे तेणी, तेणी जे लख्युं छे ए मानवी माटे लख्युं छे, तेणे, तेणी। ओके, अहीं आपणे तेणीने सर्वनाम, यस, मानवीनी जग्याए आपणे शब्द वापर्यो छे तेणी। ए स्त्रीलिंग एटले के मानवी छोकरी छे एटले आपणे तेणी लख्युं छे। नवा कपड़ा पहेर्या छे, तो मानवीए नवा कपड़ा पहेर्या छे। मानवी शब्दनी जग्याए आपणे शब्द वापर्यो छे तेणी, ए सर्वनाम छे। एटले नामनी जग्याए कोई पण नाम एटले वस्तु, व्यक्ति, जग्या के प्राणी, एना माटे जे आ शब्द वापरीए ए नाम छे, अने ए नामनी जग्याए आपणे जे शब्दनो उपयोग करीए ए सर्वनाम छे। हुं कहूं के कूतरो आव्यो, कूतरो आव्यो, बराबर, तो ते सफेद रंगनो छे, तो ते एटले कोण? कूतरा माटे कीधुं। हवे कहीए के नैनीताल खूब सुंदर जग्या छे, त्यां अमे खूब मजा करी, तो त्यां एटले क्या? नैनीताल स्थळ पर, तो त्यां ए सर्वनाम थयो। एवी रीते हवे तमे तमारा पाठ्यपुस्तक 25 पर जुओ, અહીંયા લખ્યું છે સર્વનામ। આપણે પહેલાં વાંચીએ। ફૂલોને સોનલે ફૂલો બહુ ગમતા, જે આગળ પાઠ આપણે જોયો સોનલની ફૂલદાની એના આધાર પર અહીંયા કહેલું છે। તે દરરોજ બગીચામાં જતી અને ફૂલો લઈ આવતી। તે જે આવ્યું એ સર્વનામ। તે કોણ બગીચામાં જતું? સોનલ। એક દિવસે તેણે ઘણા ફૂલો છૂટ્યા, ઘણા ફૂલો છૂટ્યા, તેને તેમને ફૂલદાની ગોઠવ્યા, તેમને ફૂલદાનીમાં ગોઠવ્યા, તો તેમને એટલે કોને? ફૂલોને, તો અહીંયા તેમને પણ સર્વનામ છે। ઉપરના ફકરામાં સોનલ નામ છે, એ સોનલને વપરાતા શબ્દો અહીંયા વાપરેલા છે, તેણે અને ફૂલો માટે વાપર્યું છે તેમને, તો આ થયા સર્વનામ। એવી રીતે તું, તે, એ, અમે, અહીં એ બધા થાય છે સર્વનામ। તો આ સર્વનામના આપણે પ્રશ્ન જે આપેલા છે એ જોઈએ। ઉદાહરણ અહીંયા પણ એક લખેલું છે, મનસ્વી રોજ શાળાએ જાય છે। મનસ્વી છોકરીનું નામ છે, શાળાએ રોજ જાય છે, તે હોશિયાર વિદ્યાર્થીની છે, તો અહીંયા હોશિયાર કોણ છે? તેજસ, મનસ્વી, મનસ્વી, તો મનસ્વી માટે વપરાયેલો શબ્દ છે તે, તો તે જે છે એ સર્વનામ। તો નામની જગ્યાએ આપેલો શબ્દ એને સર્વનામ।